thank you. हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है अद्भुत तो ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस पे के वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए शबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इसक से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो में बनाई थी दो में बागी दो में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एरिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनकी प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फ़िल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम एक सौ बीस मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीक लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में, में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में पृष्ठ का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जुलियस पेकमैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पैकमैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस श्रेया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो क, सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को को के किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फिल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंत धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफ़ी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतरी और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सभी चीज़ें आपको अनप्रिडिक्टेबल नजर आ सकती वैसे परफॉर्मेंसेस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक सौ छासठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टीआरपी भी और सेटेलाइट पर भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर वो फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर हॉरर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे अद्भुत जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इश्क से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्कस इंडिया और शबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहाँ पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर पहले ये फिल्म रिलीज लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 सौ मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सेटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीक के लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की मां का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने Dialogue, delivery, अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नज़र आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसके से उन्होंने एज़ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंथी दो हज़ार में बनाई थी दो में बागी दो में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक् के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एरिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफी बांधे रखते हैं डाइना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफी बढ़िया नजर आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्लीस नजर आने लगते हैं स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो यो सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूजिक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टीआरपी भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती 2014 में बनाई थी 2016 में बागी 2017 में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पीक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटरन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओ रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रिडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक सौ छासठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टी भी और सेटेलाइट पर भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर हॉरर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अद्भुत जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इसक से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक् के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनकी प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फ़िल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम एक मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सेटेलाइट पर देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी तो का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे है। प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की मां का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसीज़ काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती 2014 में बनाई थी 2016 में बागी 2017 में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पीक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबक सानी ने इस फिल्म में प्रिश का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 120 मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जुलियस पेकमैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं जुलियस पेकमैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूजिक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर दो में अनाउंस किया गया था जहाँ पर अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटी श्रेया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशन में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई दो तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो और दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नज़र आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसीज़ काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार में बनाई थी दो में बागी दो में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटरन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जूलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफी बढ़िया नजर आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्लीस नजर आने लगते हैं स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो यो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूजिक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टीआरपी भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर उन्हें फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार में बनाई थी दो में बागी दो में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटरन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जूलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओ रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रिडिक्टेबल नजर आ सकती वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूजिक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक सौ छासठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टी भी और सेटेलाइट पर भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर हॉरर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अद्भुत जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इश्क से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक् के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एरिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनकी प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंडर यानी कि शबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फ़िल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम एक मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सेटेलाइट पर देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में, में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसीज़ काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कमबक्त इश्क से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंथी दो में बनाई थी दो में बागी दो में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्म है जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटरन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबक सानी ने इस फिल्म में प्रिश का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 120 मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जुलियस पेकमैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए हैं जुलियस पेकमैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूजिक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पर अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटी श्रेया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशन में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई दो तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो और दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने Dialogue, delivery, अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नज़र आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे इस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती 2014 में बनाई थी 2016 में बागी 2017 में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफी बांधे रखते हैं डाइना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफी बढ़िया नजर आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्लीसें नजर आने लगते हैं स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो यो सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूजिक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें पाँच आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बकत इसक से उन्होंने एज डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती 2014 में बनाई थी 2016 में बागी 2017 में मुन्ना माइकल 2022 में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फिल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पीक के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रृति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर दो में अनाउंस किया गया था जहाँ पर अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफ़ी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नज़र आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक सौ छासठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टी भी और सेटेलाइट पर भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर हॉरर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अद्भुत जो 2024 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इश्क से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनकी प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंडर यानी कि शबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फ़िल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीक की लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पर कम्बक इसक से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहाँ पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर इस फिल्म को डायरेक्टली सेटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम एक मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सेटेलाइट पर देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में, में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की मां का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने Dialogue, delivery, अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉरर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नज़र आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी आर भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फिलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर ऑन फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक्त इश्क से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक् के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एरिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनके प्रोडक्शन कंपनीज के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएट्रिकली पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटरन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज़ दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम 120 मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सैटेलाइट पे देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है डाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूस अंजलि मल्होत्रा एम आर का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपल्सिव कलिक थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहां पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उसका पल को ही क्यों टारगेट किया गया अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रेया धनवंत रि रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफी बांधे रखते हैं डाइना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफी बढ़िया नजर आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्लीस नजर आने लगते हैं स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीजें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीजें काफी बढ़िया नजर आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक कर लोगे अगर आप ज्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो यो सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नज़र आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसिस काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूजिक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक वोट मिले हुए जिसमें 5.8 आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टीआरपी भी और सैटेलाइट पे भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो सकता है लेटर उन्हें फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे अद्भुत जो दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सुपर नेचुरल हॉर फिल्म है इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें किए हुए सबीर खान ने वैसे वो इस फिल्म के एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे भी जुड़े हुए थे इससे पहले उन्होंने कई फिल्में बनाई हुई जहाँ पे कम्बक इश्क से उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की हुई थी उसके बाद में हीरोपंती दो हज़ार चौदह में बनाई थी दो हज़ार सोलह में बागी दो हज़ार सत्रह में मुन्ना माइकल दो हज़ार बाईस में उन्होंने निकम्मा फिल्म बनाई और अब ये अद्भुत फिल्म बनाई हुई है तो इससे पहले जितनी भी जो फिल्में बनाई थी उसमें कोई भी हॉरर सुपर फ़िल्म नहीं थी ये पहली उनकी हॉरर और सुपर नेचुरल थ्रिलर जोनर की फिल्में जो उन्होंने बनाई हुई है अब बात करें दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो इस फिल्म का स्टोरी एडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी सबीर खान ने ही किया हुआ है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और सबीर खान के द्वारा इस फिल्म को मीडियम टू लो बजट में बनाया हुआ है जहां पे उनकी प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंडर यानी कि सबीर खान फिल्म्स और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के अंडर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है यानी कि थर्टीन प्लस ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के अंडर रिस्ट्रिक्शन के साथ इस फ़िल्म को देख सकते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो थिएटर के लिए पहले ये फिल्म रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट प्रीमियर करवाया गया था ओरिजिनल रिलीज दिलवाई गई थी सोनी पे सोनी मैक्स के द्वारा तो उन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिल्म का रन टाइम एक मिनट है करीबन ये फिल्म आपको दो घंटे के रन टाइम के साथ यानी एक क्रिस पर रन टाइम के साथ थिएट्रिकल सॉरी सेटेलाइट पर देखने को मिलेगी कास्टिंग की ओर बढ़ते इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने डिटेक्टिव गजराज अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ है टाइना पेंटिन इस फिल्म में मेरी मैथ्यूज़ अंजलि मल्होत्रा एमी आर मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया हुआ है श्रेया धनवंतरी ने डॉक्टर श्रुति रावत का रोल प्ले किया हुआ है रोहन मेहरा इस फिल्म में डॉक्टर आदित्य रावत का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रदीप कुमार ने इंजीनियर प्रदीप कुमार का रोल प्ले किया हुआ है विक्रम गोखले ने खान का रोल प्ले किया जो गजराज के रिपलसिव कलीग थे सोहिला कपूर ने इस फिल्म में मिस मैथ्यूज़ का रोल प्ले किया जो एमी की माँ का रोल था संजय गुरबख सानी ने इस फिल्म में परिष्ट का रोल प्ले किया हुआ है शशांक सिंधे ने इस फिल्म में रमाकांत यादव का रोल प्ले किया हुआ है तो फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो विनोद प्रधान ने की हुई है फिल्म को मनन सागर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन एक मिनट यानी कि दो घंटे का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जूलियस पेक मैम ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए जुलियस पेक मैम भी इससे पहले कई ऐसी हिंदी साउथ इंडियन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दे चुके हैं जहाँ पे उन्होंने खास करके हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक दिया हुआ है और अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करो तो फिल्म को ऑफिशियली अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया गया था जहाँ पे अनाउंसमेंट के वक्त बताया गया था कि नवाजुद्दीन लीड रोल में होने वाले लेटर ऑन डाइना पेंटिस रिया धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्ट्रेस का नाम इस फिल्म में सामने निकल के आया हुआ था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करवा दी गई थी मेजरली इस फिल्म को मेनली शिमला में शूट किया हुआ था वहाँ पे ही पूरे लोकेशंस में इस फिल्म की कहानी को स्थित किया हुआ था इस फिल्म के काफ़ी लंबे शेड्यूल्स रहे थे जिसके चलते इस फिल्म को मई 2022 तक पूरी तरह से रेपअप करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म के म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था इसके अलावा इस फिल्म से जुड़े हुए जो दूसरे एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत करें तो ये फ़िल्म वैसे पहले थिएट्रिकली रिलीज़ लेने वाली थी लेटर ऑन इस फिल्म के साथ कुछ चीज़ें रही जिसके बाद में ओटीटी रिलीज कंफर्म करवाई गई थी उसके बाद में कंफर्म किया गया कि ये फिल्म अब डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही प्रीमियर करवाई जाएगी तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट से, रिलीज दिलवाई गई थी इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो एक डिटेक्टिव गजराज अवस्थी नाम का किरदार दिखाया गया है जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और काफ़ी एक ऑनर्ड पुलिस ऑफिसर है जहाँ पे उसके सामने एक केस आता है उसकी लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे उस सिचुएशन में आ, वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ पे ये केस है उसको पाँच साल पीछे ले जाता है उसकी मेमोरी को जहाँ पे उस केस के दौरान किस तरह से कैसे क्या चीज़ें हुई थी वो सभी चीज़ें स्टोरी लाइन में देखने को मिलती है जहाँ पे लीड पेयर को जिस तरह से उस हाउस में दिखाया हुआ है बाद में कुछ मिस्टेरियस फोर्सेस के थ्रू कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें कपल के साथ होती रहती है और अब ये मिस्टेरियस फोर्स कौन है वो क्यों इन कपल को बार बार प्रॉब्लम दे रही है अब आगे क्या होने वाला है पास्ट में उस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली में उस कपल को ही क्यों टारगेट किया गया है अवस्थी इस केस को केस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा किस तरह से कंक्लूजन पे आएगा वही फ़िल्म की कहानी बनाती इस फिल्म में सभी एक्टर्स ने काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे नवाजुद्दीन डाइना पेंटिस रे या धनवंतरी रोहन मेरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने बखूबी एक अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस दी हुई है जहाँ पे डिटेक्टिव गजराज अवस्थी के रोल में नवाजुद्दीन अपने डायलॉग डिलीवरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ फिल्म को काफ़ी बांधे रखते हैं डायना प्रेंटिस धनवंतरी रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में जो अपने किरदार के साथ जस्टिफिकेशन देते वो फिल्म को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे जाती है इस फिल्म में जिस तरह से हॉर एलिमेंट रखे रखे हुए वो डिसेंट नजर आएंगे जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स क्रिएट किए गए कुछ जगह पर काफी बढ़िया थे कुछ ट्विस्ट और टर्न थे जो फिल्म के काफ़ी बढ़िया नज़र आएंगे लेकिन ओवरऑल देखा जाए कुछ मोमेंट इस फिल्म में डाले हुए जो कुछ प्लेस पे क्ली से नज़र आने लगते स्टोरी लाइन डिसेंट थी लेकिन उसके ऊपर चीज़ें थोड़ी और बेहतर तरीके से की जा सकती थी इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो आदित्य और श्रुति यानी कि श्रेया धनवंतर और रोहन मेहरा का जो किरदार है उसके थ्रू जिस तरह से जो सीन्स क्रिएट किए गए वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया नज़र आती है इस फिल्म में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही थी आसानी से आप शायद प्रिडिक्ट कर लोगे अगर आप ज़्यादातर सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं देखते तो वो सच सभी चीज़ें आपको अनप्रडिक्टेबल नजर आ सकती है वैसे परफॉर्मेंसीज़ काफ़ी बढ़िया थी टेक्निकली अच्छी फिल्म बनी हुई थी म्यूज़िक अच्छा सपोर्ट दे रही थी तो ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म है इसे देखना चाहते हो तो एक आध बार देख सकते हो इस फिल्म को डायरेक्टली सैटेलाइट पे ही रिलीज़ किया गया था जहाँ पे राइट सोनी मैक्स के पास थे जिन्होंने इस फिल्म को 15 सितंबर 2024 को प्रीमियर करवाया था प्रीमियर के वक्त एक अच्छा खासा रिस्पांस भी आया हुआ था जहाँ पे अभी तक आई पे करीबन एक सौ छासठ वोट मिले हुए जिसमें 5.8 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से और ये अद्भुत फिल्म ने एक अच्छी खासी टी भी और सेटेलाइट पर भी हासिल की हुई थी क्योंकि ये पहली बार टीवी पे प्रीमियर हो रही थी कहीं जगह पे भी ओरिजिनल ये रिलीज़ नहीं करवाई गई थी तो अद्भुत फिल्म फ़िलहाल में अगर आपको देखने है तो सोनी मैक्स के अलावा कहीं नहीं देख सकते हो क्योंकि उनके द्वारा इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था तो जब कभी भी इस फिल्म को वहाँ पर प्रीमियर करवाया जाएगा तब ये फिल्म आप ऑफिशियली देख सकोगे यानी कि अद्भुत फिल्म सोनी मैक्स के ऊपर आप प्रीमियर होते हुए देख सकते हो हो सकता है लेटर उन्हें फिल्म सोनी लिव के ऊपर भी प्रीमियर करवाई जाए फिलहाल में अगर इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो इस सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म को आप ऑफिशियली सोनी मैक्स के ऊपर प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से अद्भुत फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय अद्भुत फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म से जुड़े प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दिए फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था तो आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू